मेरे बहन भाई कैसे आप सब, मैं भी ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। तो जी कुल्फी वाला आया और अब भाग के मेरे पास आया। आपकी चप्पल काट मैंने, मुझे बताओ चप्पल का है आपकी? चप्पल वहां पर रखी है, वो चप्पल पहने का जाएगा। तो अब ये हमारा मेरा हो चुका है शुरू और ये काम हमारे साथ साथ, तो आज का जो भी काम होगा हम सब बहन भाई से शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मम्मा जी आप बर्तन रख लिए? बर्तन के बाद में रखती, पहले मैंने कहा था धो लेती हूं ना। मैं भी स्कूल से आ गई हूँ। आप भी स्कूल से आ गई हैं पता है मुझे। और ये रात मैंने निकाला था मलाई में से घी थोड़ा सा निकलाया था, तो इसे भी फिर निकाल के जो है डब्बे में डाल के रख लेते हैं। और अब बोलने लगी मैं आटा, आटा ये है क्योंकि भाई इधर इतना मंगा के कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, क्या करें। आइसक्रीम वाला भी नीचे खड़ा हो गए शोर मचा रहा है, आइसक्रीम है आइसक्रीम, और मोबाइल पैसे लेके मुझसे भाग भी गया। तो ये दूर हो चुका है खराब, और अब इसको लगे इसमें पलट लिए, फिर ये पतीला धो लेते हैं, चलिए इसका वो कया वगैरह तो बन जाए। आटा भी हमारा टूट चुका है कि अच्छा अंडे ले आई है, और अब इंसाना देखते हैं क्या बनता है। चिली है, प्याज, हाँ जी प्याज भी काफी महंगे है, लेकिन प्याज भी यही थे बस, तो मैंने कहा ये तीन प्याज है चले, अब दिन का गुजारा हो जाएगा, दोपहर का अंडे प्याज बना लेंगे, रात को देखते फिर क्या होता है। और जब मम्मी जी धोती है तवा, जी मैंने कहा तवा धो लो और अंडे बनाओ तवे पे, अब हम लगे जी अंडे बनाने। और ये प्याज और मिर्चे मैंने नहीं धोई थी टमाटर, मैंने कहा चले ये भी धुल जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ की सफाई हो जाएगी सारी। अभी हमने कोई भी काम नहीं किया अभी तक, तो कुछ भी नहीं हुआ, चले कोई नहीं हो जाएगा सारा जी, पहले खाना खा ले। ये मैंने अंडे दोनों निकाल लिए मैं इसमें, तो जी घी मैंने ऐड कर दिया भाई इसमें जाके, तो हमारे अंडे बने, फिर हम मजे मजे से अंडे खाए रोटी खाए, ठीक है भूख लग रही है, मैंने नाश्ता भी कोई नहीं किया आज, अभी तक चाय भी नहीं पी, मैंने चाय तो पी लेते फिर मैं टाइम तक चाय भी नहीं पी। और इसमें जो मसाले हैं वो देखते हैं, नमक मिल गया इसमें पता मैं पहले तो नमक कर रहे थे, मिर्च तो भी नहीं लगेगी, अगर मिर्च हम साफ ही डाल देंगे तो फिर तो शायद ऐसे हो जाएगा सारा, फिर तो मिर्चे ही नीचे हो जाएगी। तो जी ये वाला चूल्हा बंद कर चुका है, तो मैंने जलाया था, चले सर्दी होती थी लेकिन अब सर्दी नहीं है, और अब जैसे टमाटर तो मैंने धो लिए थे, तो दोनों टमाटर डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना बगैर टमाटर के, अच्छा नहीं लगता जब तक टमाटर ऐड ना लो, जैसे धनिया और टमाटर। अंडा इस तरह फिर से ज्यादा भी नहीं फेंट देती, अलग से बनाती हूँ ना, इसमें कुछ ना डालता हूँ, फिर से ज्यादा फेंट देती हूँ। अब तो क्योंकि ये प्याज टमाटर सब सामान है ना बीच में, इसलिए भी मैंने ना इसे ज्यादा ही फेंट दिया। देखो मम्मा धो लो, धो लिए और अब इसे इस पे काट लिए थे क्योंकि तैयार हो चुका है हमारा खंडा। और फिर बनाते हैं रोटी क्योंकि भूख से दम निकला जा रहा है इस वक्त, और ये आप देख रहे कितना जबरदस्त अंडा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी चॉइस है किससे अच्छा लगा किससे बुरा लगा अब ये मुझे नहीं पता जी। तो मम्मा जी ने पेड़ कलर स्टार्ट कर दिया, हाँ जी रोटी को बना दी, मैंने कहा चले
वाला बन गया, तवे वाला बन गया। तो मुझे तवे पे बना हुआ अंडा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे महीने में मैं तवे पे बना के खिला देती हूँ। तो अब जो बच्चों ने शोर भी मचाया वक्त खेल रहे हैं, तो मेरे घर गेट खोल रहे हैं। चलो सही है सबके लिए। हाँ जी कदा आपने भी खाने हैं? अच्छा सही हो गया जी। वो कहते चुदमुदे मेरे हैं और मोहम्मद कहते मेरे हैं। टूट
और अब मैंने कहा चले मैं ना हाथों से कपड़े धो लूं, थोड़े से कपड़े हैं ये भी ज्यादा इकट्ठे हो जाए, और बाकी रहना लगी हूँ इधर किचन की सफाई करने के लिए। ये देख रहे जी किचन में जो कूड़ कचरा कबाड़ सारा जो सारा निकाल रहे हैं। सही खलारा पाया, सही खलारा क्योंकि ऊपर आंदे जी नहीं इतना, तो अब क्योंकि चूल्हा वगैरह कल से जो ऊपर सेटिंग करेंगे, आधा सामान जो ये बर्तनों का वो ऊपर लेके आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मकान की टेंशन है मुझे, तो अगर ना मुझे कहीं मकान मिल सका तो फिर मैं ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो ये भी परेशानी है। तो जाहिर है क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है, मेरा अल्लाह हमें जिस हाल में रखे खुश है, लेकिन किराएदारों की जिंदगी नहीं है इतना मैं जानती हूँ। और जूते मैंने वहाँ उतारे भूल गई क्योंकि अभी पहनती हूँ, अब जब से मैं तकलीफों में मैंने गिरी हूँ ना, काफ़ी तकलीफें मेरे पे आई हैं, तो मैंने अब एक काम करना शुरू कर दिया, मैं अपने बहुत सारे जूता नहीं उतारती भाई, जब कपड़े धो रही होते जब भी जूते वगैरह नहीं उतारती मैं अपने ना। तो जी कपड़े हमारे धुल चुके हैं, तो जितने में से धुल सके ना हाथों से मैंने धो ली है, ये भी इधर भी कुछ वो डंगे हुए हैं, कुछ ये इधर दीवार पे है इस साइड पे, तो फिर मैंने कहा चले सूख जाएंगे बच्चे, जाना भी छत की सफाई वगैरह कर दी, किचन की सफाई उन्होंने कर दी है मुझे, छत की झाड़ू रह गई, हाँ जी छत की झाड़ू रह गई बस लगाने के लिए। तो वही मैंने बच्चे जाना को बुलाया था आज कि आज है मेहरबानी होगी आपकी मेरे साथ, ये काम मेरा लाजमी करवा जाए, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आ जाती हूँ। तो कल मैंने फ़ोन किया था तो फिर आ जाएंगी बाजी, और अब जाती नीचे देखती हूँ क्या पकाते हैं क्या नहीं, बाजी रहना फिर ऊपर का झाड़ू लगा के आ जाएगी नीचे, और अभी वो बेडशीट है वो भी डालनी है सूखने के लिए, ठीक है रास्ते में डालनी है, फिर बाजी रहना को गुजरते हुए ना थोड़ी मुश्किल होगी, तो इधर डाल देना इधर डाल, सलाम नहीं किया भैन भरा और अब ये कपड़े चूल्हे वाले है ना, मैंने कहा ये भी साथ ही मिल जाएंगे, मुझे सब बहन भाइयों को पता है कि इनकी ज्यादा मुझे जरूरत होती है, वहाँ पे चूल्हा साफ करना, वहाँ पे क्या कहते हैं फिर शर्फे वगैरह साफ करना, अब कर से तो इनशाला सेटिंग जुमसेना रात को खुदम आते हैं, उनसे पाइप मंगवाती हूँ बड़ा, और उन्हें कहती हूँ कि मुझे चूल्हा जुमसन ऊपर सेट करना है भाई, मुझे बहुत तंगी होती है फिर नीचे कभी नीचे जाऊँ मैं ऊपर आऊँ मैं फिर ऊपर का देखूँ, ऐसे बहुत परेशानी मुझे लगती है। मैंने सारा घर ओके कर दिया हुआ, ये देख ले जो उनसे यहाँ पे बखेर बिखरा होता था ये भी सारा, और ये भी इधर से बेड भी, और अब चार्जर उठा दिए हैं बजी ध्यान, हाँ जी मैं तो नीचे जा रहे हैं ना, हाँ जी, और यहाँ की सारी सफाई टोटल हो चुकी क्योंकि मैं तो आती थी बस झाड़ू लगा के चली जाती थी, क्योंकि फिर परसों ना मैंने वो सामान भी जो उनसे सर्दी का वो सारा बीच में डाल दिया वो कपड़े ना, गर्मी आ गई मैं कहा चलो सामान पा दिया भाई ध्यान, लाइटा बंद कर दो आज नीचे चलिए फिर ठीक है। और क्या कहते हैं इसे इधर ये बकरे हमारे ये खड़े हुए भी इधर की सफाई रहती है, और ये कपड़े हमारे धुल चुके हैं सारे टोटल, और अब जो उनसे ना हमने हम जाने लगे हैं नीचे, ये सारे कपड़े हाथों से मैंने धोकर साइड पे हो चुके क्योंकि मशीन का स्विच टूट गया था, मैंने कब खत्म होंगे, तो नीचे अब कोई खाना पकाना देखते हैं क्या पकाते हैं क्या नहीं, सोचते हैं जाके कुछ देर, तो क्योंकि फिर डेली जब कुछ पकाना होता है ना उस टाइम तो सोचना ही पड़ता है क्या पकाएं क्या करें क्या ना करें, ये रोज का ही मसला है, ये रोज का मसला है, झाड़ू बर्तन घर के काम काज और ये खाना ये तो रोजाना ही है ना, तो अब देखते हैं चलते हैं नीचे, शाम भी काफी हो चुकी है, और अब जाके नीचे देखते हैं जो काम होगा जो करने वाला होगा वो करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाना करते हैं। ना चाय बननी रख दी ये ठीक है, तो इधर के अक्षा भी, और इधर ये देखे जी मुनीब भी खेल रहा है और मोहम्मद भी खेल रहा है, और चाय हमारी ये है, चाय जैसे बन जाती है फिर भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, फीडर पी रहा है, और आज ध्यान रहा क्यों इन दोनों की बननी रही आपस में, हाँ भाई क्यों नहीं बन रही, आप बेड पे ले जो करता मैं दूध पी लू, आप दूध पी रहे हो चलो जी आप दूध पियो फिर, अच्छा रोटी खानी है आपने, रोटी खाओगे, अच्छा तो फिर आंटी दाना से लड़ाई क्यों की, अच्छा ये भी मारती हैं आंटी दाना भी मारती हैं,
बची दे ना बहुत बड़ा इल्जाम तुहाडे ते हुण केस होएगा आदि दा मुनीब खड़ा हुआ खेलो जी खेलो अच्छा हां जी भाई आपने मारा भाई ओनू आंटी कह रही मैंने नहीं मारा अच्छा एकदम मारती है किसी ने भी नहीं मारा झूठ बोल रहे हो